नमस्कार, एस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर बहुत समाज के पंच लोग आए हैं जो 36 कौम के भी माने जाते हैं, लेकिन हम यहां से एक बात करेंगे जो हमारे साथ पंच लोग हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, राजाराम। राजाराम जी, आज यहां बहुजन समाज पार्टी का रोड शो होने वाला है। हाँ जी, तो आपने मतलब बहुजन समाज पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हो? परे बहुजन समाज पार्टी री पूरी पूरी हसोर तहसील पूरे पूरे एससी एसटी और गरीब घर पूरी जाति 37 जाति हमारे हाथ है और पूरा बहुजन समाज पार्टी का हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे 35-37 साल थी मैं ये कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते थे, वोटों वाला ने हमारे को कोई ना तो काम किया है ना हमारे को हंबड़ा है। पानी री समस्या, लाइट री समस्या, हर बात री समस्या है और जीते न जाए बड़े माने कोई देखा देता नहीं, नहीं माने पा कोई आवता उर बाजरे मैं मतलब बजो बहुजन समाज पार्टी री हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम आप 37 कौम हाथ है यहाँ। तो आपने सुना कि यहाँ के 37 कौम को हम साथ लेके जा रहे हैं। आपका नाम? तगाराम। तगाराम, तो आप भी यहाँ पे आए हो रैली में? हाँ। तो मतलब आप रमेश जी मतलब बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों सूझ किया आपने? क्योंकि तकलीफ दूसरी पार्टी हमको तो मतलब तकलीफ देती है। तकलीफ देती है? कैसे तकलीफ देती है? कैसे को काम नहीं होता है, काम नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए इसको खड़ा करके हमने बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट किया, इसको जीता ना है, जीतेगा। हाँ सर, तो ऐसी कामना कर रहे हैं कि हम हमारे साथ और भी है। शिवाजी, आपका नाम? मारजम गजो। गजाराम, हाँ आप ही आए हो? हाँ। नहीं, आप मतलब बहुजन समाज पार्टी को क्यों स्विच किया? कांग्रेस भाजपा भी तो जी। अरे वो तो मैं थक गया हमारे है ना, कभी ना हम बारे न मन करे, हर साल का वोट दे दे क्या हुआ, मैं था कि हमारा कोई नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी में 36 वर्ष में जुड़ा है अनिल ने, रमेश जी ने तैयार किया, रमेश ने अनिल से आगे मिलना। कौन बनेगी प्रधानमंत्री भारत की? आप बताओ। आप बताओ। शोशा अंतर वर्ष वोट दे दी जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दीते क्या हो गया वोट जो हमें राज करे दूसरा हुआ वक्त बहुपुल पार्टी करी हान मिघवाड़ समाज छत्रीवरण दौड़ी हान मैं तैयार थे ना लड़ो हान इलेक्शन में वोट रमेश जी ने जीता हुआ। हाथी को वोट दोगे? हाथी का वोट देवा हान जीता हुआ घना वोट आते। प्रधानमंत्री किसको बनोगे? मायावती। मायावती को? हाँ। तो आपने देखा यहाँ पर 37 कौम के वर्ण के सभी लोग आए हैं, पंच लोग भी हैं, युवा साथी भी हैं, सब लोग आए हैं। तो ये सब कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट पीएम बहन जी होनी चाहिए और सांसौर विधानसभा का प्रत्याशी है रमेश बोस, वो इससे हम विजय होंगे, ये सब ये ऐसी कामना कर रहे हैं। पानी आ रहा है, बैठ जाए गाड़ी। यहाँ वो रैली चल रही है, हिसाब से आती हुई है, यहाँ सिटी सेंटर तक आ चुकी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी ज्यादा बैठते हैं यहाँ।